नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में जल्द होगी 8853 ANM की बहाली। इंस्पेक्टर हो या सिपाही, अब एक जिले में केवल इतने समय तक ही दे सकेंगे सेवा। बिहार में मिले इतने प्रतिशत अमानक खाद। सीएम नीतीश ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिया निर्देश। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी कप्तानी, ये होंगे अब सीएसके के नए कप्तान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी अधिकारी के कुल मिलाकर 294 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ स्नातक या फिर अर्थशास्त्र, अर्थमिति या मात्रात्मक अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, एकीकृत अर्थशास्त्र, वित्त, सांख्यिकी, गणितीय अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और सूचना विज्ञान में 55% अंकों के साथ स्नातक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार से आने जाने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में रेलवे ने अपने ट्रेन का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सुगौली वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज और साठी स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। इस काम के पूरा होने के साथ ही नरकटियागंज और साठी स्टेशन के बीच परिचालन बहाली के लिए तकनीकी कामों को अंतिम रूप देने के लिए 25 मार्च यानी कि आज से 27 मार्च 2022 तक प्री NI का काम और 28-29 मार्च 2022 को NI का काम किया जाना है। इन्हीं कामों के कारण ही इस रेल सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जिसकी पुष्टि खुद पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार की तरफ से की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा, कविता राजकमल आदि कविता संग्रह, एकटा चंपाकली, एकटा विषधर तथा आदि कथा, फूल पत्थर और आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास हैं। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, जिन्हें स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। बचपन के आरंभिक दिनों में उनकी मां त्रिवेणी देवी का असामयिक निधन हो गया। छोटे मनिंद्र को अपनी मां के आंचल की कमी का गहरा प्रभाव पड़ा था। नवादा जेल में बंद कैदी ने पास की IIT की परीक्षा। बिहार के नवादा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी ने कमाल कर दिखाया, क्योंकि इस कैदी ने जेल में ही बंद रहते हुए अपने भविष्य की तलाश कर ली है, जिसके तहत ही जेल में बंद सूरज कुमार ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक IIT JAM यानी कि IIT ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स में सफलता हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूरज कुमार ने ऑल इंडिया में 54वां रैंक प्राप्त किया है। ज्ञात हो सूरज कुमार करीब 10 महीने से जेल में बंद है, वहीं पर उसने सेल्फ स्टडी की और IIT की इस परीक्षा को पास कर लिया है। सूरज कुमार मूल रूप से नवादा जिले के वारिसगंज थाना क्षेत्र के मौसमा गांव के निवासी हैं। वो 19 अप्रैल को मौसमा गांव में 45 वर्षीय संजय यादव को बुरी तरह मारने के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं। बिहार में जल्द होगी 8853 ANM की बहाली। बिहार के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि जल्द ही बिहार में 8853 ANM की बहाली होने वाली है। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 8853 ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की नियुक्ति के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर साक्षात्कार के कार्यक्रम की तारीख की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही कुल पदों के विरुद्ध 1.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। 24 मार्च से 13 अप्रैल तक साक्षात्कार का काम होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हर दिन 2 पालियों में इसका आयोजन करवाया जाएगा। हर पाली में क्रमांक के अनुसार 350 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। वहीं संविदा के आधार पर बहाली होने वाली है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम कानून के पूरे हुए 1 साल। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम कानून को पारित हुए
एक साल पूरे हो गए हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए कटिहार के बीएमपी 7 में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस बल ने हिस्सा लिया। इस दौरान परेड और मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दिखाई। सबसे पहले बीएमपी मैदान में परेड और मार्च पास्ट के बाद झंडे को सलामी से जुड़े कार्यक्रम के साथ ही इस विशेष दिन का शुरुआत किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी के अलावा जिले के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। आकर्षक परेड और मार्च पास्ट के माध्यम से उन लोगों ने इस पल का भरपूर आनंद उठाया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही कानून है जिसके कारण बीते साल 23 मार्च को इस कानून के विरोध में समूचा विपक्ष उतर आया था, जिसके बाद न सिर्फ सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ बल्कि सदन के अंदर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। बीडीओ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने सभी प्रखंडों के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ और प्रखंड पंचायत पदाधिकारी की भूमिका को लेकर बीते दिन स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी प्रखंडों में विभागीय कार्य के लिए निकासी और व्यंजन पदाधिकारी फिलहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी ही होने वाले हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं इस बाबत पंचायती राज विभाग ने पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के संबंध में निर्णय की जानकारी सभी डीएम को दे दी है। सरकार ने बताया है कि वैसे प्रखंड जहां नवनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पद स्थापित हैं, उन प्रखंडों में पद स्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी फिलहाल पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इंस्पेक्टर हो या सिपाही, अब एक जिले में केवल इतने समय तक ही दे सकेंगे सेवा। अक्सर आपने भी ऐसी शिकायतें जरूर सुनी होंगी कि कई सालों तक एक इंस्पेक्टर या सिपाही एक ही जिले में टिका हुआ है। हालांकि अब ऐसा सुनने में नहीं आने वाला है, क्योंकि अब इनकी सेवा एक जिले में केवल 5 सालों तक ही रह सकेगी। हालांकि पहले इनके कार्यकाल की अवधि 6 सालों की थी, लेकिन अब इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। वहीं किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 सालों तक रह सकते हैं। जिला इकाई और रेंज में इंस्पेक्टर से सिपाही तक के पुलिसकर्मियों के अधिकतम कार्यकाल को नए सिरे से निर्धारित करने को लेकर बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 में यह प्रावधान किया गया है। विधानमंडल में जल्द ही यह विधेयक पेश होगा। बुधवार को विधानसभा में विधेयक के प्रति वितरित की गई। बिहार में मिले इतने प्रतिशत अमानक खाद। अमानक खादों की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर के कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमानक खादों की बिक्री अभी भी कहीं कहीं जारी है। यही कारण भी है कि राज्य भर में हाल ही में इस वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी तक जितने नमूने जांच हुए उसमें 4.25% खाद अमानक निकले हैं, जिसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। हालांकि उन्होंने इस दौरान यह भी बताया है कि इसकी बिक्री पर रोक लगाने को लेकर कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा खाद की आपूर्ति भी रबी मौसम में जरूरत के अनुसार ठीक हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृषि मंत्री गुरुवार को विधान परिषद में सुनील सिंह अल्पसंख्यक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के 3479 नमूनों की जांच फरवरी तक हुई थी। इसमें 2.52% यानी कि कुल 88 नमूने अमानक निकले थे। राज्य कर्मियों के मकान किराया मद में बढ़ोतरी का नहीं है कोई प्रस्ताव। राज्य कर्मियों के मकान किराया मद में बढ़ोतरी का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के अजीत शर्मा ने इस प्रश्न को उठाया था, जिसके जवाब में ही तारकिशोर प्रसाद ने उक्त बातें कही हैं। साथ ही कहा है कि राज्य कर्मियों को वाई जेड अवर्गीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकान किराया भत्ता की दर 16, 8 और 4% किए जाने की अनुशंसा की गई है। बिहार भवन नई दिल्ली के कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता की दर 24% अनुमान है। केंद्रीय सप्तम वेतन आयोग द्वारा एक्स वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दर 24, 16 और 8% किए जाने और महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर 27, 18 और 9% किए जाने की अनुशंसा है। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता की संपत्ति हुई जब्त। इन दिनों बिहार सरकार के नाक के नीचे काली कमाई करने वाले कई अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई भी हुई है। साथ ही संपत्ति जब्त करने का काम भी किया गया है। इसी कड़ी में बीते दिन ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता रहे संजय कुमार सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए बीते दिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में पहले से घिरे कार्यपालक अभियंता की 1,58,43,200 रूपए की चल अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। इनमें एक पटना में जबकि 4-4 संपत्तियां रोहतास और औरंगाबाद जिले में है। सक्षम प्राधिकार की सहमति मिलने पर इसे पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद ही ईडी इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी। मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी से लोग हुए परेशान। बिहार में कहने को ये मार्च का महीना है, लेकिन जितनी गर्मी है उसे अभी ही मई जून महीने का आभास हो रहा है। बिहार में गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। मार्च के महीने में ही प्रदेश का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस चला गया। प्रदेश के लोगों को इस बार मार्च महीने में सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक चिलचिलाती धूप के कारण लोग घरों में कम निकल रहे हैं। आवश्यक कार्य
पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में तापमान अधिक होने से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग अभी से ही गर्मी की वजह से परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल उमस भरी गर्मी से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मठ मंदिरों की जमीन पर सदन में हुई फेंकाफेंकी। बीते दिन विधानसभा का सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा, क्योंकि बिहार के मठ मंदिरों की जमीन की अवैध बिक्री रोकने को लेकर विधानसभा में जवाब दिया गया। भाजपा विधायक संजय सारंगी के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने दिया। प्रश्नकर्ता सदस्य संजय सारंगी ने कहा कि मंत्री साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। इस दौरान ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने सदन में बताया कि धार्मिक न्यास की भूमि सरकारी भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। मठ मंदिर ठाकुरबाड़ी की जमीन पर पुजारी का नाम दर्ज नहीं होगा। हालांकि इस दौरान पक्ष को ही मंत्री जी की तरफ से दिया गया जवाब नागवार गुजरा। यही कारण भी है कि कल विधानसभा में एक ही पक्ष के बीच खूब फेंकाफेंकी देखने को मिली। बिहार दिवस में आए 100 से अधिक बच्चे बीमार। हाल ही में बिहार के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका बीते दिन समापन हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार के 38 जिले से शामिल होने आए विद्यार्थी बीमार पड़ गए। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें इलाज के लिए गांधी मैदान में बने कैंप में ले जाया गया। वहीं जिन बच्चों की हालत गंभीर बताई गई उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। हिंदुस्तान पोर्टल की तरफ से साझा की गई खबर के अनुसार बीमार पड़े बच्चों की संख्या 100 के पार है। बताया गया है कि कार्यक्रम में बने खाने को खाने के बाद ही ये बच्चे बीमार हुए हैं, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। इस घटना के बाद आयोजकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली स्थगित करने की उठी मांग। बिहार के स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली स्थगित करने की मांग बीते दिन विधान परिषद में एक बार फिर गूंजी। इस बाबत डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि नियमावली और आवेदन को बने सॉफ्टवेयर में कई विसंगतियां हैं। उनकी तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 90% उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सरकार इसे तत्काल स्थगित करे और विसंगतियां दूर कर बहाली की प्रक्रिया शुरू करे। जिसके बाद ही परिषद में प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने भी उनकी मांग को जायज बताते हुए तत्काल बहाली स्थगित करने को कहा है। दोनों सदस्यों का कहना था कि सरकार अगर इस व्यवस्था में बहाली करेगी तो बिहार के उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। सुखविंदर सिंह ने जल जीवन हरियाली पर फिल्म बनाने की कही बात। बिहार के नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन हरियाली योजना की चर्चा बिहार के साथ साथ देश भर में है। हालांकि इस योजना को लेकर विपक्ष भले ही सरकार का घेराव कर चुकी हो, लेकिन बिहार दिवस कार्यक्रम का हिस्सा बनने बिहार पहुंचे सुखविंदर सिंह ने इस योजना की तारीफ की। होटल मौर्या में सुखविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने सरकार के जल जीवन हरियाली योजना की ढेरों सराहना की। सुखविंदर सिंह ने कहा कि जल जीवन हरियाली जैसे पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। इस थीम पर बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर यहाँ की सरकार कितनी गंभीर है। देश और दुनिया में भी इस मुद्दे पर सभी लोग आने वाले दिनों में जरूर काम करेंगे। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। पटना हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर मुहर लगाते हुए पटना हाईकोर्ट के लिए बीते दिन 2 जजों को नियुक्त कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोटे से राजीव रॉय और हरीश कुमार बतौर हाईकोर्ट जज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2022 को इस आशय की एक अधिसूचना निकालकर इस बात की पुष्टि की है। पटना हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 53 है, जबकि यहां सिर्फ 25 जज ही कार्यरत है। उक्त दोनों जजों के शपथ ग्रहण के बाद यहां संख्या बढ़कर 27 हो जाएगी। बिहार विधानसभा में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा। बिहार विधानसभा में भाजपा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि हाल ही में एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी के 3 विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है। वीआईपी हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छोड़ने वाले 3 विधायकों की एक तरह से घर वापसी हुई है। ये मूलतः भाजपा से ही थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने कोटे से 11 सीट वीआईपी को दे चुकी थी, जिसमें 3 सीट पर ये 3 चुनाव लड़े थे और ये 3 विधायकों के शामिल होने के साथ ही भाजपा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ताजा घटनाक्रम के बाद सदन में उनके सदस्यों की संख्या 77 हो गई है। अब तक राजद 75 विधायकों वाला सबसे बड़ा दल था और 74 संख्या बल के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर बनी हुई थी।
सीएम नीतीश ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिया निर्देश। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ वज्रपात के कारण होने वाली मानव क्षति को कम करने के लिए तैयार किए गए कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान ही आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री के सामने कार्य योजना की प्रस्तुति दी। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए बनाई गई कार्य योजना, डीआरएफ के आवासन की व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिसके बाद ही बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हमेशा आपदा से प्रभावित रहता है, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। आपदा में किसी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम नीतीश। आज उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा नेतृत्व की तरफ से सीएम नीतीश को आमंत्रण मिल गया है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और आज दोपहर पटना से वो लखनऊ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को पटना से विशेष विमान से लखनऊ जाने वाले हैं। वो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। ज्ञात हो यूपी के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी मैदान में उतरी थी, लेकिन उसे कुछ खास सफलता वहां नहीं मिली थी। जदयू ने दिया रणवीर नंदन को बड़ा जिम्मा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें ही जदयू 11 जगह पर उम्मीदवारों को उतार रही है। वहीं जीत सुनिश्चित करने के लिए ही जदयू की तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए प्रभारी सह प्रभारी को तैनात कर दिया गया। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आदेश पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा दिया गया है। विधान परिषद की पटना सीट पर डॉक्टर रणवीर नंदन सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। आसानी से करें अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट। आधार कार्ड आज के समय में अहम दस्तावेजों में से एक है। बैंक से लेकर राशन की दुकान तक हर जगह आधार कार्ड जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से अपने नजदीकी के आधार सेंटर पर जाकर और वहां पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। आधार सेंटर पर मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी, बायोमेट्रिक डिटेल सहित अन्य जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी कप्तानी, ये होंगे अब सीएसके के नए कप्तान। एमएस धोनी ने आईपीएल के 15वें सीजन के शुरू होने से दो दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला बीते दिन किया है। फैंस धोनी के इस फैसले से काफी निराश हुए। 2008 से एमएस धोनी सीएसके के कप्तान रहे। धोनी के नेतृत्व में ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम बनी है। एमएस धोनी ने अपने कप्तानी में फ्रेंचाइजी को 4 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीम है। रविंद्र जडेजा अब आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी बतौर बल्लेबाज टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। समाचार पत्र कोलकाता गैजेट में 1788 में भारतीय भाषा बांग्ला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को 1898 में ब्रह्मचार्य की दीक्षा दी। देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को 1954 में दिल्ली में उतारा गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2005 में सूडान के लिए शांति सेना की मंजूरी दी। टीम इंडिया 2007 में विश्व कप क्रिकेट से बाहर निकली। राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक ने 2017 में देश की पहली सीमा सुरक्षा बल की महिला अधिकारी बनकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। 1905 में प्रसिद्ध भारतीय राजनेता मिर्जा राशिद अली बेग का जन्म हुआ। 1948 में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार फारूख शेख का जन्म हुआ। 2011 में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का निधन हुआ। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परवेज आलम, प्रिया यादव, मनीषा कुमारी, राजेश कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, मोनू सिंह, अजय तंती, पंकज रॉय, दया शंकर, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से सीएसके की कप्तानी छोड़ने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।